आगामी 10 मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में यात्रियों को कुछ परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम संगठन जुड़े हुए हैं। वही देहरादून में बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलेंगे। वहीं मुख्य सेवकों द्वारा 5 मई से 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। वही अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दिनांक 10 मई 2024 को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। यह यात्रा गुप्तकाशी से फाटा गौरी कुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचती है। चार दिन की इस भव्य और दिव्य डोली यात्रा में देश विदेश से हजारों की संख्या में यात्री शामिल होते हैं। जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जो नीति है, जब बाबा गौरी कुंड से केदारनाथ के लिए स्नान करेंगे तो उनकी डोली पर गौरी कुंड वाले नीम चोली जो बीच में एक स्थान आता है वहां पर पुष्प वर्षों का 9 तारीख का आयोजन किया जाएगा और 10 तारीख को जब कपाट खुलने वाले होंगे उस समय बाबा के मंदिर के आसपास से श्रद्धालुओं के ऊपर डोली के ऊपर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम।